हमें लगा ले दो, ठीक है सिर, ठीक है ना, सही है, चालू कर दो, कर दिया। लोक प्रसार चलन देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, हम फिलहाल खड़े हैं टिकरी बॉर्डर दिल्ली पर, और यहाँ हमारे साथ है जोगिंदर सिंह घासीराम नैन। घासीराम नैन जी को हर कोई जानता है दुनिया में, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम मशहूर, श्री घासीराम नैन जी। उन्हीं के सुपुत्र जोगिंदर नैन हमारे साथ खड़े हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, और इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या बातचीत हुई है, कैसे किस प्रकार आंदोलन चल रहा है। तो सबसे पहले नमस्कार नैन साहब। नमस्कार जी, मेरे दर्शकों को भी, आपके दर्शकों के अलावा मेरे सारे दुनिया के जो मेरे को देख रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, उन्हीं सभी को नमस्कार, राम राम किसानों की तरफ से, बिल्कुल राम राम जी। तो सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और ज्यादातर सक्रिय रहती है किसान यूनियन, तो किसान यूनियन ने जब ये कदम उठाया कि तीनों हम एमएसपी ही लागू करें, एमएसपी चाहिए हमें, तो फिर ये तीन कानूनों को रद्द करने की बात कहाँ से शुरू हुई? तीन एमएसपी की मांग है जो किसान की, आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन करते आए हैं बिजली के रेट में, फसल के रेट पर के, जो उनको वाजिब रेट नहीं दिया जाता। एमएसपी की मांग थी, सरकार आज भी कह रही है कि एमएसपी दी जाएगी, दी जाती रही है, आगे भी दी जाती रहेगी, बंद नहीं होगी, तो कहने को कह रही है, लेकिन एक लाइन वो कानून में ये नहीं लिख रहे कि आप लोगों को लिखित में एमएसपी दी जाएगी। अगर कोई किसान की फसल को पूरे देश के अंदर कहीं भी जो एमएसपी रेट है उससे नीचे खरीदेगा तो उसको कानूनी तरीके से उसको सजा का प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान ही चाहता है किसान। आज भी कहने को तो फसल की एमएसपी है 1868 रुपया जो धान का एमएसपी है, वो हमारे हरियाणा के अंदर भी 1400-1500 रुपये की लूटी हुई है, ये बिहार में यूपी में वो 900-800 रुपये की लूटी हुई है। मक्का की जो एमएसपी थी वो 1800 से ऊपर 1880 रुपये है, वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही कोई भी एक व्यक्ति किसान या आढ़ती भाई ये कह दे कि 1880 रुपये पर मक्का मैंने खरीदा है या मेरी बिकी है, वो 900-800 रुपये पर बिक रही है, कहने को एमएसपी है, नहीं किसी किसान को एमएसपी पर फसल खरीद नहीं होती। जो हमारी फसल खरीदी भी गई है उसका भी आज हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कहते थे कि 25 तारीख से मैंने लेटर लिख दिया है केंद्र के कृषि मंत्री को, वो हरियाणा के अंदर 25 नवंबर से खरीद शुरू कर देगा, लेकिन वो नहीं खरीद हुई, 5-6 तारीख तक तो भी नहीं खरीद हुई। 6 तारीख को किसानों ने उसकी डिप्टी सीएम की सरसा कोठी का घेराव किया, वो इसलिए किया था कि आपने कहा कि एमएसपी से फसल खरीदी जाएगी, एक भी दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन ना तो दाना दाना खरीदा गया ना एमएसपी पर खरीदी गई। हमने उसके मकान का घेराव किया, हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था, आपको कृषि प्यारी या किसान प्यारा है, आपने किसान वर्ग ने ही आपको कृषि पर पहुंचाया, लेकिन उन्होंने आज तक वो किसानों से मुंह छिपाता हुआ फिर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का हूँ, चौथी पीढ़ी में किसान ने उनको रोहतक में पहुंचाने का काम किया, उनके दादा देवीलाल को, दादा ओम प्रकाश चौटाला को, उनके पिताजी अजय चौटाला को कई बार सांसद पहुंचाया, उनको भी सांसद भी पहुंचाया, उसके बाद अब वो हमारे हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम के पद पर किसानों के द्वारा ही पहुंचाए गए हैं। मेरा प्रश्न एक और था नैन साहब, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले किसानों की मांग थी कि एमएसपी गारंटी दी जाए, लेकिन अब ये तीनों कानून रद्द करने वाली जो बातें नए रूप से लेके आई बाद में किसान आंदोलन, तो ये कैसे शुरू हुआ? नए रूप से किसान ने लेकर गया है, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, आपको भी और सारी जनता को, प्रशासन अधिकारियों, जो राजनीतिज्ञों को बता देना चाहता हूँ, ये कानून सरकार कोरोना महामारी के समय में लेकर के आई, उस कोरोना महामारी के समय में इसलिए लेकर के आई थी कि किसान इसे सरकार इसे दबे पांव से लागू कर देगी, वे किसान को इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, इसका विरोध नहीं कर सकेंगे, कोरोना महामारी के समय में 2 गज की दूरी बनाए रखे, 1 बना के रखे। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी किसान आज तक 26 दिन तो यहाँ बॉर्डर में बैठे हुए, उस कोरोना महामारी के समय में भी मैं घर घर गाँव गाँव घूमता हूँ, मैंने किसी भी किसान का दाह संस्कार पर नहीं किया जो कि ये कोरोना की वजह से गुजर गया, ये एक अफवाह है, कोई कोरोना नहीं है, हमारे किसान 26 दिन से यहाँ बैठे हुए इसी डर से धमका रहे हैं कि यहाँ कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। बिहार में चुनाव हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी बड़ौदा के अंदर उपचुनाव हुआ था, जब वो चुनाव कराते हैं तब कोई कोरोना महामारी नहीं होती, जब किसान इकट्ठा होने की बात पर आता है तो उसके समय ये भ्रम फैला दिया जाता है कि कोरोना महामारी की वजह से धारा 144 लगा दीजिए, इस भोले भाले किसान के ऊपर इतने केस बढ़ा दिए गए हैं,
सरकारों का काम होता है जनता को सुविधा देने का। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पुरानी सड़कें थी, जो नेशनल हाईवे थे, जो कांग्रेस के उससे पिछले समय के मंजूर थे, उनको काम बंद कर दिया। एक पैसे तक तो सरकार लगवा नहीं सकी। 15 फुट गहरी खाड़ियाँ नेशनल हाईवे को पार करके बैरिकेड लगाने का काम किया। वो आज कहते हैं किसानों ने सड़क जाम की है। किसानों ने कोई सड़क जाम नहीं कर रखी। वो सरकार ने, प्रशासन ने, सरकार के मुख्यमंत्री ने बैरिकेड लगा करके जनता को रोकने का काम किया। वो जनता पर थोप रही है। मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले भी अपने भाई, अपनी बहन है, अपना परिवार है, हमारे लोग रहते हैं, क्या दिल्ली को बंधक बनाना एक अच्छी बात नहीं? दिल्ली को कोई बंधक नहीं बना रहा क्या? छोटे रास्ते से दिल्ली की जो पानी है, दिल्ली की जो राशन व्यवस्था है, खाद्य सामग्री है, वो सुचारू रूप से जारी है। मेट्रो सिस्टम, सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी दिल्ली में, ये देखने वाली बात है सर जी, क्योंकि दिल्ली में सब्जियों की गाड़ियां और किसानों की गाड़ियां, जो सब्जी व्यापारी थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने कहा क्वेश्चन की दिल्ली की सब्जियों की महंगी हो चुकी है। मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा कि मेरे साथ चलिए टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, हरियाणा जो ये कॉलोनी है हमारे साथ लगता है, जो दिल्ली का टिकरी बॉर्डर का एरिया है, वहां जब हम पहले दिन आए थे यहाँ सब्जियां 60 रुपए किलो गोभी बिकती थी, वो आज 10 रुपए किलो पर आ गई। यहाँ से सब्जियां फ्री में दी जा रही है। आप कहते हुए बॉर्डर पे तो देखिए, बॉर्डर से ही दिल्ली सीमित नहीं है, दिल्ली का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। अंदर भी सब्जियों में कोई बंधन नहीं है, सब्जी दूध। अगर ये सरकार इसी तरह से, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा जो आपने क्वेश्चन किया है, भाई हम किसान सब्जी पैदा करते हैं। कोरोना महामारी के समय में किसान के 2 बेटे, एक सेना पर शिक्षा कर रहा था, दूसरा किसान का बेटा, खेत में अन्न पैदा करके, सब्जी पैदा करके, ये जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो अडाड़ी अंबाड़ी जो मंत्री एमएलए एमपी बैठे हुए हैं, उनके घर तक पहुंचाने का काम करता था। लेकिन सरकार ने सभी को सुविधाएं दी, लेकिन इस किसान के बेटे की, वहां तो बॉर्डर पर बैठा हुआ था, उसकी भी तनख्वाह काट ली गई। और जो दूसरा किसान का बेटा, जो इस देश की महामारी के समय में दूध और सब्जी पहुंचाने का मंडी में काम करता था, उसको एक पैसे की भी कहीं भी राहत दी हो, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी मंत्रियों को, एमपी एमएलए को, प्रधानमंत्री को ये साबित कर देगी कि कोरोना महामारी के समय में किसान के पुत्र को एक नया पैसा का कहीं फायदा किया हो। अब मैं आपको दोबारा कह देना चाहता हूँ कि हरियाणा के सभी मंडियों से सब्जी पहुंच रही है, कोई भी मंडी में सब्जी महंगी नहीं है। दिल्ली के निवासी भी हमारे भाई हैं। पंजाब के साथियों को हम आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर बॉर्डर लगे हुए हैं, हमने खुले मन से कह रहे हैं कि पंजाब का किसान साथी कोई एक पैसा खर्च ना करे। जो स्टेज का खर्चा है, जो सब्जी है, जो राशन है, वो उनका छोटा भाई हरियाणा प्रदेश स्वयं वहन करेगा। एक बात और आ गई, छोटे भाई की बात आ गई, मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है, जब छोटे भाई और बड़े भाई बात है तो जो हक की बातें होती है, जैसे मैं मुद्दा उठा रखा है, भाजपा ने लगाओ या केंद्र सरकार ने लगाओ SYL का, ये छोटे बड़े भाई क्यों नहीं सुनता रहे? मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में केंद्र की सरकार भी, 2014 में बीजेपी की थी। पंजाब और हरियाणा के अंदर 2014 से पहले 2017 तक बीजेपी की तीनों जगह सरकारें थी, भाजपा और अकाली दल की पंजाब में सरकार थी। अगर उस भाजपा सरकार को इतनी ही किसान बरादरी से हमदर्दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों के पक्ष में फैसला आ चुका है। वो आज जब किसान आंदोलन उभर रू, ये उभर नहीं कहूंगा मैं इसको, विशाल रूप धारण कर चुका है शांतिमय तरीके से, वो इस आंदोलन को फैल करने के लिए तरह तरह के घोषणे कर रहे हैं। वो किससे मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा आपको, हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो वो जो बीजेपी के नेता है वो किसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो अपने मंत्रियों से, अपने अध्यक्षों से क्यों नहीं कह देते कि ये नाता खुलवाकर किसानों के लिए पानी तो लिया जाए? और आज हमारा मुद्दा पानी का नहीं है, मैं आप लोगों से क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जब हमारे पास किसान बिरादरी के पास जो जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा बचा है वो ना रहेगा। अडानी अंबानी जब मोदी ने ये कॉर्पोरेट जगत को इसको बेचने का काम शुरू कर दिया है, तो जब जमीन ही रहेगी हमारे पास, इस पानी का क्या करेंगे? अगर इतनी हमदर्दी है किसान के, मेरे बड़े भाई पंजाब को भी कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो पानी पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जा रहा है उसको सरकार आज आजादी के समय से आज तक नहीं ला सकी। और जो अपने हरियाणा प्रदेश के जेपी दलाल है, आज ही मैंने अभी अभी देखा है, उसकी के हल्के में बहल गांव में बड़ा गांव है, उनका काले झंडे दिखा करके विरोध किया जा रहा है। जो अपने आप को पहले भी कहते हैं किसान का बेटा हूँ, हमने सबसे ज्यादा अगर उम्मीद थी तो इस केंद्रीय हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से थी। वो किस लिए थी और क्यों थी? क्योंकि वो रेतीले
बंजर ऊपर खबर जमीन से जो ताल्लुक रखता है वहां से कृषि मंत्री बना था। हम सोचते थे कि वो कृषि मंत्री उस भूमि से आया है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का दक्षिण एरिया है, वो इस किसान बेटे की इस किसान वर्ग की सोच करेगा, लेकिन वो भी सत्ता की जो कुर्सी लगी उस किसान वर्ग को बिल्कुल भूल चुका है। उसको कोई किसान से लेना नहीं देना नहीं है, वो कहते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल टोको मत, इस किसान बिरादरी को देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद नैन साहब, आपके विचार श्री घासीराम नैन से भी बढ़कर है, और जो किसान से टकराएगा चाहे नेता हो चाहे बेनेता हो और चाहे कोई भी हो, किसान उसको शिखर पे ले जा सकता है तो मिट्टी में मिला सकता है। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, लाइक करें और भाई शेयर करते रहे, साथ के साथ आपको सभी चीज लाइव दिखाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।